नमस्कार, करेंसी मॉर्निंग पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। आज 8 अक्टूबर, कल के सेशन की अगर बात करें तो कल हमने साइडवे टू नेगेटिव प्राइस मोमेंटम देखा, जहां यूएसडी आईएनआर में हमने देखा मल्टीपल ऑफ टाइम प्राइजेस ने कोशिश की 73.60 का लेवल तोड़ने की, बट फेल हुआ। जिस ढंग से शाम को फेड के मिनट्स आने थे, मार्केट एक दायरे में ही ट्रेड करता हुआ दिखाई दिया, जिसके चलते हमने ईरो, जीबीपी, जेपीवाई तीनों में ही हमने साइड टू नेगेटिव प्राइस मोमेंटम आते हुए देखा। कल इम्पॉर्टेंट जो अपडेट आया वो प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से आया, जहाँ पे पहले उन्होंने बताया कि स्टिमुलस टॉक हम नहीं करेंगे, इलेक्शन के बाद करेंगे, और कल एक नया स्टिमुलस की बात की गई है जिसमें एयरलाइंस की जो पे चेक प्रोडक्शन है उसको कंटिन्यू रखेंगे, जिसके बाद हमने देखा डॉलर इंडेक्स में थोड़ी बहुत उछाल मिलता हुआ दिखाई दिया और सोने चांदी में गिरावट आती हुई दिखी। जिस ढंग से डॉलर में थोड़ा उछाल है, ये कहीं ना कहीं ईरो जीबीपी पे दबाव ला सकता है, बट एज ऑफ नाउ ईरो जीबीपी दोनों ही एक साइडवे प्राइस मूवमेंट ट्रेड कर रहा है। ईरो की अगर बात करें, कल 0.33% से गिरावट आते हुए दिखाई दी और हमने देखा कि प्राइजेस 86.45 पे क्लोज हुआ, आज की ओपनिंग फ्लैट रहने की उम्मीद है। वहीं पाउंड की बात करें तो अभी भी ब्रेक्जिट को लेकर कंसर्न्स बने हुए हैं। पाउंड में कल हमने 0.25% की गिरावट आते हुए देखी, 94.50 के करीब मार्केट क्लोज हुआ, आज की ओपनिंग पॉजिटिव रहेगी 95 के करीब, बट अपसाइड सस्टेनेबल थोड़ा सा डाइजी है, नो डाउट। नीचे हमने 200 डे मूविंग एवरेज का सपोर्ट भी लेते हुए देख रहे हैं। वहीं जेपीवाई की बात करें, कल के 0.5% की गिरावट के बाद आज ओपनिंग साइडवे टू पॉजिटिव हो सकती है, जो 69.35 के करीब रहेगी, बट अभी भी काउंटर वीक दिखाई देता है। अगर आज के डेटा पॉइंट की बात करें तो ऑलरेडी हमने देखा एफओएमसी के जो मेंबर की स्पीच थी, उसके बाद डॉलर में थोड़ी बहुत सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई दिया, बट आज यूके से हम एफपीसी की मीटिंग के मिनट्स देखेंगे, एफपीसी के स्टेटमेंट देखेंगे, ईसीबी मॉनेटरी पॉलिसी के अपडेट आते हुए देखेंगे। वहीं यूएस से अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम आ रहे हैं, जो कहीं ना कहीं ड्रॉप होता हुआ दिखा रहा है, जो डॉलर के लिए सपोर्टिव रह सकता है। वहीं अगर चार्टिकली अगर हम बात करें तो डॉलर इंडेक्स 200 डे मूविंग एवरेज के नीचे ही ट्रेड कर रहा है, जो कहीं ना कहीं संकेत देता है कि नेगेटिविटी के साथ डॉलर इंडेक्स रहेगा, देखना इंपॉर्टेंट रहेगा। अगर 94 के ऊपर डॉलर इंडेक्स निकलता है तो ही बड़ी तेजी कर पाएगा, अदरवाइज वापस 93.50 का सपोर्ट लेता हुआ दिखाई देगा। वहीं जीबीपी आईएनआर की बात करें, प्राइजेस बिल्कुल 200 डे मूविंग एवरेज के करीब ट्रेड कर रहा है, बट इचिमिको क्लाउड के नीचे है, जो कहीं ना कहीं संकेत देता है मार्केट में दबाव का रुख रह सकता है। आज ओपनिंग पॉजिटिव जरूर होगी, क्लाउड के अंदर प्राइस जाता हुआ दिखाई देगा। ध्यान रखिए 95.20 के ऊपर निकलने पे ही हम बड़ी तेजी जीबीपी आईएनआर में देख पाएंगे, अदरवाइज 95 के करीब जाने के बाद फिर से बिकवाली देख सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब कीजिए। इस चैनल में हम आप तक इक्विटी, कमोडिटी और करेंसी के अपडेट टाइम टू टाइम लाते रहेंगे। वीडियो पसंद आने पर इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद।